एक इंग्लिश ऑफिसर जो डिस्टिंक्ट जगह पर सर्व कर रहा था, वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखने के लिए उसे एक लड़की दी जाती है जो उसके साथ इंटीमेट होगी और उसे लैंग्वेज सिखाएगी। प्रॉब्लम तब आई जब उसे उससे प्यार हो गया। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको द स्लीपिंग डिक्शनरी, ये हॉलीवुड रोमांटिक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है 1936 में। उस वक्त इंग्लैंड पर बहुत सारे देशों पर राज था। अगर किसी को भी गवर्नमेंट जॉब करना था तो उनके एजुकेशन के लिए उन्हें रिमोट सी कंट्री में भेज दिया जाता था। यहाँ पर वो सर्व करते थे, जब वो वापस आते तब उन्हें ये जॉब दे दी जाती है। ऐसा ही हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है जॉन, इस सर्व करने के लिए सेवाग नाम की कंट्री में आया। ये कंट्री उतनी डेवलप नहीं थी, यहाँ के बहुत सारे लोगों को उसकी लैंग्वेज भी नहीं आती। जॉन जब पहुंचा तो जिसे उसकी लैंग्वेज आती है उसे वेलकम करने के लिए आया हुआ था। जॉन को फिर वो उसके ऑफिसर के पास लेकर आता है। जॉन के ऑफिसर का नाम है हेनरी और हेनरी बहुत सारे सालों से यहाँ रह रहा है। हेनरी उसे पूछता है कि तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शन थे, तुम यही क्यों आए? जॉन ने कहा कि मेरे फादर ने यही सर्व किया था, इन लोगों को एजुकेशन देना चाहते थे, अपने फादर की विजन वो खुद कम्प्लीट करना चाहता है। हेनरी उसे कहता है कि सक्सेस हो नहीं पाएगा, यहाँ के लोग बहुत ही अलग है, इन्हें एजुकेशन देकर कोई भी फायदा नहीं। क्या लोकल लोगों के ट्राइब के हेड से मिलने के लिए फिर उसे लेकर गया। हेनरी जॉन से कहता है कि जो भी कहेंगे ये तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा। वहां पर जाने पर उसे ड्रिंक देते हैं। जॉन ड्रिंक नहीं करता पर ये उन लोगों का डिसरिस्पेक्ट होगा तो इसी वजह से जॉन को ड्रिंक करना पड़ता है। ये ड्रिंक एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की लेकर आई थी, इसका नाम है सलीमा, जो हमारी और एक मेन कैरेक्टर है। जॉन ने उसे देखा और उसे बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने बहुत सारा ड्रिंक किया और इसके बाद सलीमा अपने फ्रेंड्स के साथ नाच रही थी। सब लोग फिर रिक्वेस्ट करते हैं जॉन भी उन्हें कुछ परफॉर्म कर दिखाए। वो एक बोरिंग सी पोएम सुनाता है जो लोगों को पसंद नहीं आए। फिर उसे पिकअप करने के लिए जो आदमी आया था उसी के साथ उसने डांस किया। सब लोग इस पर बहुत हंसे। उस आदमी का नाम है बदन साय। अगली सुबह जॉन ने जो भी किया इसे वो बहुत ही एम्बेरस था। आज हेनरी अपने साथ सलीमा को लेकर आया था। उसे कहता है कि ये तुम्हारी वाइफ की तरह सारे काम करेगी। जॉन को कुछ भी समझ नहीं आता तो उसे समझाता है यहाँ की लोकल लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और यही सीखने के लिए सलीमा तुम्हें हेल्प करेगी। तुम उसके साथ इंटीमेट हो गए और यही बेस्ट वे है लैंग्वेज सीखने का, क्योंकि बहुत सारी सेंचुरी से चलता आ रहा है। जॉन को यह सब बहुत ही गलत लगता है, वो सलीमा को जानता नहीं और यह सब नहीं कर सकता। हेनरी ने कहा हम सलीमा को फोर्स नहीं कर रहे, उसने भी तुम्हें चुना है। हेनरी अब जॉन को फोर्स करने लग गया था तो जॉन मान गया पर वो कहता है कि मैं उसके साथ इंटीमेट नहीं होऊंगा। हेनरी को इस पर गुस्सा आ गया और वहां से चला जाता है। जॉन ने जो भी कहा इस वजह से सलीमा को भी उस पर गुस्सा आ गया। इनके एरिया के बॉर्डर में कुछ चाइनीज लोग घुस कर आए थे और इनकी उनके साथ फाइट हुई। लोकल लोगों ने चाइनीज लोगों को तो मार डाला पर अब ऑर्डर थे कि उन चाइनीज लोगों के सर तोड़कर ले आया जाए। जॉन ये काम बेलन साय को देता है पर बेलन साय ने मंकी के हेड लाए थे। जॉन ये पहचान भी नहीं पाया तो सब लोग उस पर बहुत हंसते हैं। जॉन यहाँ न्यू है और उसे कोई भी सीरियसली लेता नहीं, उसे इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। वो जब घर पर आया तो जॉन के शेफ ने एक लड़का लाया हुआ था। उसे कहता है कि मेरा नेफ्यू है, ये तुम्हारे साथ इंटीमेट हो सकता है। जॉन सलीमा के साथ इंटीमेट नहीं होता तो शेफ को लग रहा था कि ये गे है। जॉन को इस पर गुस्सा आ जाता है, उसने कहा कि ये सब नहीं चलेगा। उसने गुस्से में सलीमा को भी फायर कर दिया। सलीमा भी गुस्से में बाहर निकल गए। शेफ जॉन को समझाता है कि अगर सलीमा घर पर चली गई तो लोग समझेंगे कि वो बहुत ही अगली है, उसका मजाक उड़ाएंगे। जॉन भी फिर सलीमा के पीछे पीछे गया। वो कहता है हमारी कंट्री में ऐसा होता नहीं, मैं ऐसे किसी के साथ इंटीमेट नहीं हो सकता। उसे सॉरी कहता है और फिर से लैंग्वेज सीखना ट्राई करना चाहता है। सलीमा भी मान गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉन कुछ काम के लिए हेनरी के घर पर आया हुआ था। यही पर उसकी वाइफ एजी से मिलता है। एजी उसे पूछती है तुम्हारी स्लीपिंग डिक्शनरी कैसी है। सलीमा के प्रोफेशन को स्लीपिंग डिक्शनरी कहा जाता है। एजी को इसके बारे में पता था पर उससे कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, यहाँ की ट्रेडिशन है तो उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। रात में जॉन और सलीमा एक ही रूम में अलग अलग बेड पर सोए। सलीमा जॉन से पूछती है कि अगर तुम किसी और के साथ इंटीमेट नहीं होते तो जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा। जॉन मजाक में कहता है कि मैं जरा क्लासेस कर लूंगा। जॉन उसे पूछता है तुमने मुझे चूज क्यों किया। सलीमा कहती है बाकी सब लोगों से तुम बहुत अलग हो। अगले दिन फिर से लोकल लोगों से मिलने के लिए जॉन गया हुआ था। वो अभी भी उसकी कोई भी बात मान नहीं रहे। वो कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था पर बेलेंसाय को इसमें कोई भी पॉइंट नजर नहीं आता।
जॉन उसे कहता है कि मैंने सुना कि तुम अंडर वाटर बहुत टाइम तक रह सकते हो, तुम उसके चैंपियन हो। बेलेंसाय कहता है कि हाँ, तो जॉन उसके साथ अब कंपटीशन करना चाहता था। सारे लोग इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हो गए। ये दोनों पानी में गए। थोड़े टाइम बाद बेलेंसाय ऊपर आ गया और जॉन अभी भी पानी के नीचे ही था। वो लास्टली बाहर आया तो गेम जीत चुका था, पर उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है। यहाँ के लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में कुछ भी पता नहीं, तो सब लोग उसे डर जाते हैं। जॉन ने बेलेंसाय को हराया तो उसकी सारी बातें मानने लग जाते हैं। आज रात सलीमा जॉन को चिल्ड्रन के बुक से पढ़ा रही थी, जो लोरी सलीमा गा रही थी। जॉन के फादर जब वो छोटा था तो यही उसे सुनाया करते थे। सलीमा कहती है, मेरे फादर भी यही मुझे सुनाते थे। वो जब 4 साल की थी तभी उनकी डेथ हो गई थी। यही लैंग्वेज सीखते सीखते उसे हाथ, नेक, इन सारे बॉडी ऑर्गन्स के बारे में सिखा रही थी। एक दूसरे को टच करने लग गए और फिर इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद ये बार बार इंटीमेट होने लग गए। एक रात इंटीमेट होने के बाद सलीमा यहाँ से जा रही थी। जॉन कहता है, मेरे बेड पर ही सो जाओ। सलीमा उसे कहती है कि हमारी ट्रेडिशन है, दो लोग 5 रात तक एक साथ उठे तो उन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। तू मेरे साथ एंगेजमेंट नहीं चाहते। अगली रात हेनरी ने जॉन को अपने घर पर बुलाया था। हेनरी की बेटी अपना एजुकेशन कंप्लीट करके इंग्लैंड से वापस आई थी। ये सब एक साथ डिनर कर रहे थे। हेनरी की बेटी का नाम है सिसिल। सिसिल इंग्लैंड में यही के लोकल लोगों पर रिसर्च कर रही थी। वो बातों बातों में कहती है, यहाँ पर बहुत ही अजीब से ट्रेडिशन हुआ करते थे। कोई न्यू ऑफिसर आए तो लैंग्वेज सीखने के लिए उसे एक लड़की दी जाती थी। सिसिल को पता नहीं था कि आज भी यही ट्रेडिशन चल रही है। सिसिल वंडर करती है कि उन दोनों में या कोई भी फीलिंग्स डेवलप होगी। हेनरी को लगता है कि इस तरीके से कोई भी फीलिंग्स डेवलप होना गलत होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेडिशन है। जॉन कहता है कि उन दोनों में फीलिंग्स डेवलप हो सकती है, जैसे उसे सलीमा के लिए हो रही थी। हेनरी को ये बात बहुत ही गलत लगती है। जॉन घर पर आया और सलीमा को गले लगा लेता है। अगले दिन जॉन और सिसिल एक साथ थे। सिसिल को सारे लोगों के बारे में और भी जानना था। वो रिसर्च कर रही थी, तो इसी रिसर्च के लिए जॉन उसे सारी जगह दिखा रहा था। वो सब लोगों की फोटो भी ले रही थी। वो सलीमा के सामने आए। उसकी फोटो ले सलीमा को अच्छा नहीं लगता। वो जॉन से कहती है कि इसे मना करो, पर जॉन कुछ भी बोल नहीं पाया। अचानक से रिवर के पास फ्लोट होते हुए कुछ लोग आए। एक डेंजरस बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जॉन अपने साथ कुछ लोगों को लेकर चला जाता है। उसके साथ बोलनसाय और सलीमा भी थी। जाने से पहले एजी उसके पास आई। वो कहती है, मेरी बेटी बहुत ही एजुकेटेड है, वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है और तुम उसके साथ खुश रहोगे। तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। जॉन को बहुत ही अजीब लगा। वो कुछ रिस्पॉन्स दे नहीं रहा था, तो एजी कहती है, जल्दी से इसके लिए हाँ कह दो, वरना तुम्हारे हाथ से वो चली जाएगी। जॉन ने रात में सलीमा से बात की। उसे पूछता है, मुझसे पहले ये मेरे जैसे और भी ऑफिसर्स थे? सलीमा कहती कि हाँ। जॉन ने जिस तरीके से सिसिल के सामने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया, इस वजह से सलीमा उस पर बहुत ही गुस्सा थी। उसे कहती है, तुम भी बाकियों की तरह ही हो। जॉन उसे पूछता है, क्या मेरे साथ कुछ अलग नहीं था? क्या हमारी रिलेशनशिप कुछ भी अलग नहीं? सलीमा कहती कि नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इंटीमेट होती हूँ। जॉन समझ गया कि उस पर वो गुस्सा है। अगले दिन ये सब उस बीमारी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक जगह पर पहुंचे। यहाँ पर और भी लोगों की बीमार पड़कर डेथ हुई थी। जॉन कुछ भी समझ नहीं पाता कि इस सब के पीछे का रीजन क्या है। तभी एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया। बुलंदसाय ने उसे देख लिया था, तो जॉन को बचा लेता है। ये दोनों फिर उस आदमी का पीछा करते हैं। उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग वहां पर सिल्वर की माइनिंग कर रहे थे। जॉन समझ गया कि इस बीमारी के पीछे यही लोग होंगे। वो जब वापस आए तो सलीमा भी बीमार पड़ चुकी थी। जॉन ने इस पर सोचा तो रियलाइज करता है कि सलीमा ने राइस खाया था। जो लोग माइनिंग कर रहे थे उन्होंने आदिवासी लोगों को राइस दिया। अगर सब लोग मर जाएंगे तो उनकी माइनिंग के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। यही राइस सलीमा ने भी खाया था, पर ये स्लो पॉइजन है तो उसे कुछ भी नहीं होगा। पर जो लोग हमेशा से इसे खाते आ रहे उनकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ के जो लोकल लोग थे ये बहुत ही डेंजरस है, अगर उन्हें इसके बारे में पता चलेगा तो सारे लोगों को मार डालेंगे। बोलनसाय जॉन से पूछता है कि क्या मुझे इन्हें सब कुछ सच बता देना चाहिए? जो उन लोगों ने किया वो बहुत ही गलत था, इस वजह से जॉन भी उन्हें मारने के ऑर्डर दे देता है। जॉन ने रियलाइज किया कि सलीमा बीमार थी तो उसके लिए वो बहुत ही वरीड था, वो उसके बिना जी नहीं सकता। उसे सब बात कह देता है। उसने उसे मैरिज के लिए प्रपोज किया। सलीमा कहती है, हमें कोई भी अलाउड नहीं करेगा, ये बहुत ही हार्ड होगा। जॉन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग हमें समझ लेंगे। जॉन ने सलीमा के बारे में जब हेनरी से बात की तो हेनरी उस पर बहुत ही गुस्सा हो गया था। वो कहता है,
ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं, यह हमारी गवर्नमेंट को डिसरिस्पेक्ट होगी। जॉन सलीमा को जाने नहीं दे सकता, ऐसा बात एजी ने सुने। एजी ने उसे कहा कि सलीमा तुम्हारी पास थे, अब तुम आगे बढ़ो। हेनरी उसे एक ऑफर देता है, कहता है तुम अब फिर से इंग्लैंड जाओगे, वहां पर शादी करोगे और फिर अगर तुम्हें लगा तो फिर से वापस आ सकते हो, पर अगर तुमने ऑफर नहीं ली तो उन माइनर्स को मारने के लिए मैं हमेशा के लिए तुम्हें जेल में डाल दूंगा। इसी के पैरेलल में सलीमा को भी ब्लैकमेल किया जाता है, अगर उसने जॉन को जाने नहीं दिया तो बोलनसाय को लोग मार डालेंगे। बोलनसाय के फादर सलीमा को रिक्वेस्ट करते हैं, सलीमा मानती नहीं तो उसे केज में डाल दिया गया था। जॉन भागते भागते उसके पास आया, सलीमा उसे कहती है मैंने तुमसे कहा था ये सब पॉसिबल नहीं। हेनरी सलीमा और जॉन को लास्ट चांस देता है, अगर वो माने नहीं तो इन दोनों को जेल में डाल दिया जाएगा। सलीमा जॉन को जेल में नहीं देखना चाहती तो कहती है कि अब मैं इसे कभी भी नहीं मिलूंगी। सलीमा ने भी जॉन को जाने के लिए कहा। इसके बाद हम देखते हैं कि डायरेक्टली एक साल बीत चुका था, जॉन की सिसिल के साथ शादी हो चुकी है। इनकी वेडिंग नाइट पर सिसिल जॉन से पूछती है या तुम्हारी कोई स्लीपिंग ब्यूटी थी। जॉन उसे सच कहता है पर सिसिल को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जॉन ने उसे खुद प्रपोज किया था। अब एक साल हो चुका था तो जॉन ने फिर से डिसाइड किया कि वो उसी जगह पर जाएगा। वहां आने पर इन्हें वेलकम किया जाता है। अब वहां के सारे बच्चों को जॉन पढ़ाने वाला था, सब लोग जॉन को वेलकम करते हैं। रात में इन्हें मूवी दिखाई जाती है, पर इन सब लोगों में जॉन सिर्फ सलीमा को ढूंढ रहा था। ये बात सिसिल ने नोटिस की, वो जॉन के साथ रात में इंटीमेट होना चाहती थी पर इस थॉट को शेक नहीं कर पाती। उसे कहती है मुझे तुम्हारे और सलीमा के बारे में सब कुछ पता है, उसकी अब शादी हो चुकी है, उसे एक बेटा है, वो अपनी लाइफ में खुश है। सिसिल भी चाहती थी जॉन उसके साथ खुश रहे। जॉन उसे अश्योर करता है कि उसके साथ खुश है। अगले दिन जॉन अपने ओल्ड घर को देखने के लिए गया, वहां पर एक और ऑफिसर है उसकी और कोई स्लीपिंग डिक्शनरी। इस ऑफिसर का नाम था नेविल। जॉन ने नोटिस किया कि नेविल ने अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी को बहुत मारा है। जॉन को इस बात पर बहुत गुस्सा आया, उसने नेविल को धमकी दी कि अगर तुमने फिर से उसके साथ ऐसा किया, उसे मारा, तो रात में तुम्हारा प्राइवेट पार्ट काट देगी। सिसिल और जॉन जब से यहाँ आए तो एजी उनका ऑब्जर्वेशन कर रही थी। उसे लगता है कि सिसिल और जॉन के बीच में उनकी रिलेशनशिप उतनी अच्छी नहीं। ये सब वो जब बात कर रही थी तभी जॉन ने यह सब सुन लिया। वो अंदर आकर सिसिल को किस कर लेता है, उसने एजी को जाने के लिए कहा। एक दिन जॉन जब रिवर के पास था तो उसने सलीमा उसके बेटे को देखा। सलीमा का बेटा व्हाइट है, इसका मतलब है वो उसका ही बेटा है। उसे बहुत ही शौक लगा, अब वो सलीमा से मिलना चाहता था। अपने शेफ से बात करता है कि हमारी मीटिंग अरेंज करवाओ। शेफ ने ऑलरेडी सलीमा से बात की थी पर सलीमा जॉन से कुछ भी बात नहीं करना चाहती। एक जगह पर झूठ बोलकर सलीमा को बुलवाया जाता है। जॉन सलीमा से कहता है कि वो मेरा बेटा है, मुझे उसे मिलना चाहिए। सलीमा कहती है अगर लोगों ने हमें एक साथ देख लिया तो हमें मार डालेंगे। जॉन कहता है कि प्लीज मुझे थोड़े टाइम मिलने दो। वो अपने बेटे से मिला, उसके फादर उसे जो लोरी सुनाते थे यही लोरी अपने बेटे को उसने सुनाई। अगले दिन अपने बेटे के लिए वो एक टॉय बना रहा था। इस बात को लेकर उसने जॉन को कन्फ्रंट किया तो उसे सब कुछ समझ में आ गया। एजी कहती है मेरे हस्बैंड हेनरी की भी एक स्लीपिंग डिक्शनरी थी, मैं डरती थी कि उसके पास फिर से वापस चला जाएगा, इसी वजह से उसके साथ ही मैं 30 साल रही। यही चीज मैं मेरी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी। उसे सलीमा के साथ कुछ भी रिलेशनशिप नहीं रखने के लिए वार्न करती है। जॉन इस बात को सीरियसली लेता नहीं, वो अब सलीमा और अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करने लग गया था। ये बात जब बोलनसाय को पता चली तो बहुत ही जेलस हो जाता है। एक रात वो उसे मारने के लिए उसके घर पर पहुंच गया। जॉन की नींद खुल गई थी तो बच जाता है। अब ये इंसिडेंट बहुत ही सीरियस है। हेनरी कहता है अब हमें बोलनसाय को मारना पड़ेगा। सलीमा तुम्हारी पास थी, तुम्हें उसे जाने देना चाहिए था। जॉन कहता है अगर तुम्हारी ऐसे ही और कोई डॉटर होती तो क्या तुम उसे जाने देते। हेनरी ने कहा यही सही होता। ये बोलते हुए वो सलीमा को देख रहा था, इसका मतलब है सलीमा हेनरी की बेटी है। हेनरी अपनी वाइफ की वजह से सलीमा को कभी भी अपना नहीं पाया। अब नेक्स्ट सीन में बोलनसाय को पकड़ कर ले आ जाता है। हेनरी के कहने पर हेनरी के फोर्स में जॉन को बोलनसाय को डेथ की सजा देनी पड़ी। वो अगले दिन बोलनसाय को हैंग करने वाले थे पर बोलनसाय ने ही एक बार जॉन की जान बचाई थी। रात में जाकर उसे छुड़ा देता है, कहता है यहाँ से दूर भाग जाओ। रात में सलीमा भी उसे मिलने के लिए आई। जॉन कहता है अगर हमें एक साथ रहना है तो यहाँ से हमें भाग जाना पड़ेगा। इन्होंने भागने के लिए एक डेट डिसाइड की। हेनरी जॉन पर इस बात से बहुत गुस्सा था। जॉन को सबक सिखाने के लिए एजी सलीमा को नेविल के पास जाने के लिए कहती है।
एज उसकी स्लीपिंग डिक्शनरी। उसे ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर सलीमा ने ऐसा नहीं किया तो उसे जेल में डाल देगी। अब आज रात ये दोनों भागने वाले थे, पर इससे पहले ही शाम में सिसिल जॉन से बात करती है, कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो आज बहुत ही खुश थी और जॉन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि अब उसे क्या करना चाहिए। रात में जब सलीमा और नेविल अकेले थे तो नेविल सलीमा को जबरदस्ती करने लग गया। सलीमा ने नेविल को बहुत मारा। फाइनली वहां के शेफ की मदद से वो नेविल को मार डालती है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो नेविल उसे बहुत मारता और कभी भी जाने नहीं देता। इसी के पैरेलल में जॉन अब एक लेटर लिख रहा था। सिसिल की वजह से वो उसके साथ नहीं जा सकता, पर ये सब बात सिसिल को पता चल गई। ये लेटर वो पढ़ती है, उससे वो बात करती है। उसने कहा कि मेरी मदर डरती थी, इसी वजह से वो हमेशा मेरे फादर के साथ रही। वो दोनों कभी भी पूरी तरीके से खुश नहीं रह पाए। मैं देख सकती हूँ कि मैं तुम्हारी फर्स्ट चॉइस नहीं, तुम मुझे अभी भी उतनी प्रायोरिटी नहीं देते। सलीमा हमेशा के लिए तुम्हारी फर्स्ट लव है, तुम्हें उसके पास ही जाना चाहिए। मैं किसी ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती जो पूरी तरीके से मुझसे प्यार नहीं करता। सिसिल होपफुल थी कि उसे भी और कोई मिल जाएगा। वो जॉन को जाने देती है। घर पर जो भी सब चल रहा था इस वजह से वो लेट हो गया। सलीमा को लगा कि आज रात भी जॉन नहीं आया। वो बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो गई। जॉन उनकी जगह पर लेट पहुंचता है, पर सलीमा को ढूंढ नहीं पाता। जॉन का शेफ फ्रेंड जॉन के लिए सलीमा पर नजर रख रहा था। वो कहता है सलीमा अभी भी यही है। सलीमा ने नेविल को मार दिया तो उसके मर्डर के लिए हेनरी सलीमा को ढूंढ रहा था। वो उसे ढूंढ तो लेता है, पर जाते जाते अपनी गन उसने सलीमा को दे दी। उसकी बेटी है और कभी भी उसके लिए बुरा नहीं चाहता। सलीमा भी उसे गले लगा लेती है। उसे हमेशा से पता था कि हेनरी उसके फादर है। हेनरी जब घर पर आए तो एजी उस पर बहुत ही गुस्सा थी। कहती है क्या तुम कुछ भी करने नहीं वाले। हेनरी कहता है मैं मेरी बेटियों के लिए हमेशा सही बात चाहता हूँ। वो इस सारी बात को दबा देगा। यहाँ पता चलता है कि नेविल अभी भी जिंदा है, वो सिर्फ इंजोर हो गया था। अब एजी बहुत ही गुस्सा थी तो उसने जाकर नेविल को ऑर्डर दी, जाओ और सलीमा और जॉन को मार डालो। जॉन ने हर जगह पर सलीमा को ढूंढा, पर फाइनली उसे ढूंढ ही लेता है। ये दोनों एक दूसरे को मिलकर बहुत ही खुश थे। तभी नेविल उनके पास आ गया। उसके पास गन थी। उसने जॉन को हथकड़ियां पहना दी। वो सलीमा के साथ जबरदस्ती करने लग गया। तभी अचानक से कुछ आदिवासी लोग वहां पर पहुंच गए। ये वही लोग हैं जिनको मरने से जॉन ने बचाया था। उन्होंने नेविल को मारकर इन दोनों को बचा लिया। सलीमा जॉन से कहती है अगर तुम मेरे साथ रहे तो तुम कभी भी वापस नहीं जा पाओगे, तुम्हें यही इन जंगलों में रहना पड़ेगा। जॉन कहता है मैं मेरी फैमिली के साथ हूँ, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं। ये तीनों एक साथ बहुत ही खुश थे। इसी मोमेंट पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।